वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले दोस्तों स्नैपचैट अकाउंट कैसे बनाएं, स्नैपचैट अकाउंट कैसे बनाएं या फिर कैसे खोलें। बहुत ही आसान है दोस्तों स्नैपचैट अकाउंट बनाना। सिंपली दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लास्ट तक सीन करना है और वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए देखना है। तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ पर दोस्तों प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग करना है स्नैपचैट। स्नैपचैट अगर टाइपिंग करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आप अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अपडेट खोज रहा है तो दोस्तों आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लेने के बाद सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, अपडेट करने के बाद सिंपली दोस्तों उसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप उसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरफ से आएगा। जैसे कि देख सकते हो मैं ओपन किया तो नीचे के साइड लॉगिन का ऑप्शन है और ऊपर के साइड साइन अप का ऑप्शन है। दोस्तों आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। नीचे में जो ये लॉगिन वाला ऑप्शन है, ये लॉगिन है दूसरे के जो कि दोस्तों पहले बना चुका है स्नैपचैट अकाउंट, वो उसके लिए है लॉगिन का ऑप्शन। तो सिंपली दोस्तों आपको जो है यहाँ पर साइन अप के ऊपर के क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, डीएनए अलाउ, तो सिंपली अलाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नाम खोजा जाएगा। जो भी आपका नाम है दोस्तों यहाँ पर आपको दे देना है। जैसे कि मैं कुछ भी दे देता हूँ, मेरा नाम जैसे कि कुणाल, तो कुणाल ही दे देता हूँ। जैसे कि मैं अपना नाम दे दिया। नाम देने के बाद सिंपली दोस्तों नीचे के साइड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कंटिन्यू। ये वाला जो ऑप्शन है सिंपली दोस्तों ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका खोजा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि आपका क्या है। जो भी जन्म तिथि है आपका दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करके दे देना है। जैसे कि मैं कुछ भी दे दिया दोस्तों, अगर आपको पता नहीं तो आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके देने के बाद सिंपली दोस्तों कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा ब्लू कलर में, तो सिंपली दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यूजर नेम ये रहेगा कुणाल कुमार, ये जो भी लिखा हुआ है दोस्तों यही रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के साइड दिखा रहा है चेंज माय यूजर नेम, इसके ऊपर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को खुद स्नैपचैट ने बना के दे दिया मेरा नाम। तो सिंपली दोस्तों उसके बाद क्या करना है, नीचे के साइड यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है सिंपली दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड खोजा जाएगा। अब जो भी दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड दे देता हूँ, यानी कि मैं अपना पासवर्ड दे चुका हूँ। पासवर्ड देने के बाद दोस्तों आपको बताने के लिए कुछ भी मैं पासवर्ड दे दिया। उसके बाद सिंपली दोस्तों नीचे के साइड यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन आपको कंटिन्यू का, ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है सिंपली दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर खोजा जाएगा। आपको सबसे पहले ऊपर के साइड अगर जो दोस्तों इंडिया सेलेक्ट नहीं है तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो थोड़ा सा तीर जैसा दिखा रहा है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो तीर जैसा दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया अगर आपका नहीं होगा तो, मेरा जैसे कि पहले से था इंडिया तो मैं इंडिया ही रहने देता हूँ। जैसे कि मेरा इंडिया सेलेक्ट है, उसके बाद नीचे के साइड आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जो भी आपको मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद सिंपली दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा फिनिश वाला ऑप्शन, ये जो फिनिश वाला ऑप्शन है सिंपली दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों उस मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP जाएगा। अगर आपके मोबाइल में होगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर किसी दूसरे मोबाइल में होगा तो दोस्तों यहाँ पर नहीं लेगा ऑटोमेटिक, वो 6 अंक का OTP डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, आप दो चार लोग को चाहते हैं तो इस तरह से भेज सकते हैं। भेजने के बाद सिंपली नीचे के साइड प्लस एड एट फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि मैं एड फ्रेंड को यहाँ पर सेलेक्ट किया। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी कि फोटो लेगा, तो फोटो या फिर जो भी लेना चाहते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो आपको एक क्लिक कर लेना है। सिंपली दोस्तों जैसे कि मैं कोई भी फोटो यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं एक फ़ोटो यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ। फोटो लेने के बाद सिंपली दोस्तों नीचे के साइड एक डन का ऑप्शन मिलेगा, तो डन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्नैपचैट अकाउंट बन चुका है। तो इस तरह से आप दोस्तों स्नैपचैट अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आएगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।